उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। कुछ नहीं होता, मत डरो, गिर जाएगा। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं मुझे पता था ये होना। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, और अगर दूसरों का खजाना चट करने के बाद भी तुमको शर्म ना आए तो समझ लेना कि तुम भी पटवारी हो। दोस्तों 28 मई जो कि इमरान खान के केसेस की सुनवाई का दिन था, उसी दिन छुट्टी करवा दी गई है कहकर के पाकिस्तान उस दिन एटमी ताकत बना था, जबकि पिछले 25 सालों से उस दिन कोई भी छुट्टी नहीं दी गई। और पटवारियों का कहना है कि ये कारनामा भी मियां साहब की ही बदौलत हुआ। आखिर जो बेटी की शादी का फैसला अपनी मर्जी से न कर सका, उसने एटमी धमाकों का फैसला किया। दोस्तों खान साहब कहते हैं कि जो बीवी अपने खावंद की जेब से पैसे चुराती है वो ये गौर से सुन लें कि कयामत वाले दिन वो भी नवाज शरीफ के साथ ही खड़ी होंगी। दूसरे सियासतदानों की तरह खान साहब की भी बहुत सारी फनी वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। दोस्तों खान साहब भी किसी अच्छे भले रोस्टर से कम नहीं, क्योंकि कभी ये जलसों में बिल्लो रानी की खटियां खड़ी कर देते हैं तो कभी छोटे चेतन की। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूँ। दोस्तों इमरान खान वो वाहिद सियासतदान हैं जो अपनी कौम के साथ साथ अपने मुखालिफों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए। उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। कुछ नहीं होता, मत डरो, गिर जाएगा। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं मुझे पता था ये होना। सयाने कहते हैं कि किसी दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले इंसान को खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। छोटे चेतन तोशा खाना की घड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अरबों की घड़ी बनाते जा रहे हैं। खाना काबा की घड़ी का वो करोड़ रुपए की घड़ी वो इमरान नियाजी ने चोरी की, उसने बाजार में बेची, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों खान साहब की उम्र अभी 70 साल से ऊपर है और उनकी फिटनेस किसी जवान आदमी से कम नहीं, लेकिन उनका कहना है कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे सालगिरह याद नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों इमरान खान भी शरारतों के मामले में मियां साहब से कम नहीं, फर्क बस इतना सा है कि खान साहब हलाल की रोटी खाते हैं और मियां साहब को मी खजाना। एक दफा मैं एयरपोर्ट पे जहाज में जा रहा कहीं, तो एक खातून आई, उसने कहा इमरान खान ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसने मेरे वो बैग में से उसने वो ऑटोग्राफ बुक निकालनी थी, तो निकालती निकालती 1000 रुपया आ गया उसके हाथ में, वो मैंने 1000 रुपया पकड़ लिया। फिर पता चला कि उसने पैसे डोनेट नहीं कर रही, बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब एक और वीडियो में खान साहब का मजाही अंदाज देखिए। दोस्तों लगता है कि खान साहब की इन्हीं बातों की वजह से मियां जी पाकिस्तान नहीं आते थे। इमरान खान, I love you. I am wrong. दोस्तों कौन कहता है कि सियासत बड़ा बोरिंग पेशा है, इन वीडियोस को देखकर यकीनन आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान के सेनेटर, अकल करो, चुप करो। कानून हमें प्रोटेक्शन देगा। अच्छा जी, मैं अभी फिर कंटिन्यू करता, थोड़ी देर ये बत्ती गई है, फिर आ जाओ। सदीक चौधरी और तारिक जुगर, रिजवान असलम भट, आप सबका शुक्रिया। सारे मेरे गुजरांवाला सबका शुक्रिया। दोस्तों ये अगली वीडियो खान साहब की तो नहीं, लेकिन खान की तरफ से मियां साहब के लिए पैगाम जरूर है। नवाज शरीफ खत्म हो चुका है, बिल्कुल कोई रोल नहीं प्ले कर सकता है। ये जो कल खुश हो रहे हैं, नवाज, एक तो नून लीग का अजीब अलविया है, ये हर
फैसला या कानून ऐसा बना के ये मिठाइयां बांटते हैं। बात तो सही है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।